उम्मीद करता हूँ कि SIP के बारे में तो आप सबने सुना होगा और आप जानते होंगे कि SIP में कैसे निवेश किया जाता है। पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि जितना इम्पोर्टेंट SIP में निवेश करना है उतना ही इम्पोर्टेंट है समय के साथ SIP में अपने निवेश को बढ़ाना। एग्जाम्पल के लिए अगर आप सिर्फ 5,000 रुपये की SIP करते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 20 साल के लिए जो आपको 12% का रिटर्न निकाल के देता है, तो 20 साल बाद आपका टोटल कॉर्पस अमाउंट होगा अराउंड 38 लाख रुपीस। पर अगर आप सेम स्कीम में 5,000 रुपये की SIP करते हैं और आप हर साल अपने SIP को सिर्फ 1,000 रुपये से बढ़ाते हैं, तो 20 साल में 12% रिटर्न के साथ सेम म्यूचुअल फंड स्कीम आपको टोटल कॉर्पस देगा अराउंड 1,08,00,000 रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों कॉर्पस के बीच का जो डिफरेंस है वो अराउंड 70 लाख है, जो कि लगभग 3 गुना है। देखिए, आप सिर्फ SIP को शुरू करके भी अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, पर अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं कम से कम समय में, तो आपको एक रेगुलर इंटरवल पे अपनी SIP को बढ़ाते रहना होगा। चलिए इसको समझते हैं सिंपल एग्जाम्पल की मदद से। मान लीजिए कि आप कोई जिम ज्वाइन करते हैं और वहाँ पर आपका गोल है कि आपको अपना वेट रिड्यूस करना है। जब आप जिम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में शायद आप रोज 10 मिनट एक्सरसाइज करेंगे, पर अगर आप कम से कम समय में ज़्यादा वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो अपने एक्सरसाइज को बढ़ाते जाएंगे। आप इसे 10 मिनट से बढ़ाकर 20 मिनट करेंगे, फिर 30 मिनट करेंगे, फिर 40 मिनट करेंगे, फिर 1 आवर करेंगे, और इस तरह से आप कम समय में अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ठीक इसी तरह से SIP में भी आप एक रेगुलर इंटरवल पे अपने निवेश को बढ़ा के अपने गोल्स को कम से कम समय में अचीव कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने SIP अमाउंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग SIP है तो डायरेक्टली अपनी SIP को बढ़ाने का यहाँ पर कोई भी तरीका नहीं है, पर यहाँ पर 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ जिसे इनडायरेक्टली आप अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला तरीका है टॉपअप SIP। देखिए, ये ऑप्शन आपको तभी मिलेगा जब आप कोई नई SIP शुरू करते हैं, और इस ऑप्शन में आप कोई एक टॉपअप अमाउंट या टॉपअप परसेंटेज सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी अमाउंट या परसेंटेज आप सेलेक्ट करेंगे और जो भी पीरियड आप सेलेक्ट करेंगे, तो उतने पीरियड पे आपकी SIP सेलेक्ट किए हुए परसेंटेज या अमाउंट से बढ़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पीरियड सेलेक्ट किया है 1 ईयर और टॉपअप परसेंटेज सेलेक्ट किया है 10%, या फिर टॉपअप अमाउंट सेलेक्ट किया है 1000, ध्यान रहे कि आप टॉपअप परसेंटेज या टॉपअप अमाउंट में से कोई एक ही चूज कर सकते हैं, तो फिर आपकी SIP हर साल 10% से बढ़ती रहेगी, या फिर आपकी SIP हर साल 1,000 रुपये से बढ़ती रहेगी। चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं अपने दूसरे मेथड को। देखिए, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग SIP है आपके किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में, और अगर आप अपनी SIP को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेम स्कीम में सेम फोलियो नंबर के अंदर एक और SIP शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में 5,000 रुपये की SIP कर रखी है और आप अपने SIP को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेम स्कीम में 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे तीसरा मेथड हम लोगों के पास है कि अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग SIP है और आप अपनी SIP अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपनी करंट SIP को कैंसिल कर दीजिए और सेम स्कीम में एक नई SIP को स्टार्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी करंट SIP 5,000 रुपये की थी और आप अपने SIP अमाउंट को बढ़ाकर 6,000 करना चाहते हैं, तो आप अपने करंट 5,000 वाली SIP को कैंसिल कर दीजिए और 6,000 रुपये की एक नई SIP को शुरू कर दीजिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी आप अपनी करंट एग्जिस्टिंग SIP को कैंसिल करते हैं या सेम स्कीम में कोई नई SIP को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर आपको किसी भी तरह का कोई एडिशनल चार्ज या फिर कोई पेनल्टी पे नहीं करना होता है, ना ही म्यूचुअल फंड हाउस को और ना ही उस बैंक को जिससे आपके SIP अमाउंट डिडक्ट। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपके कोई डाउट या फिर कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में।